हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको नेल रिमूव करना बताती हूँ कि हम लोगों को अपने नेल्स किस तरीके से रिमूव करने चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग फेक नेल लगा लेते हैं बट हमें पता ही नहीं होता है कि हमें वो किस तरीके से रिमूव करने होते हैं। काफ़ी कॉल आ रही थी मेरे पास इस चीज़ के लिए, काफ़ी मैसेज आए थे मेरे पास जब मैंने ये नेल आर्ट की वीडियो डाली थी, क्योंकि इस हाथ पे देखिए मेरे फेक नेल हैं और इस हाथ पे मेरे रियल नेल हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम अगर ये हम चिपका तो लेंगे बट ये हटेंगे कैसे। तो देखिए आज मैं आपको इनको हटाने का मेथड बताती हूँ, काफ़ी इजी मेथड होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी नेल पेंट रिमूव करनी है, ठीक है। तो वो आप सिंपल नेल रिमूवर से भी कर सकते हैं, कोई भी नेल रिमूवर यूज़ कर सकते हैं आप, और जो वाइप्स आती हैं आप उनसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिससे आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे पहले अपनी नेल्स रिमूव कर लीजिए। तो देखिए मैं अभी इनको रिमूव करती हूँ, मतलब नेल पेंट रिमूव करती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने नेल पेंट हटा ली है और मैंने इसकी भी हटा दी, क्योंकि जब मैं इसको हटा रही थी तो काफ़ी हाथों में वो हो गया था। तो देखिए क्या होता है, जब हम लोग यूवी जेल नेल आर्ट लगाते हैं ना, तो हम इस तरीके के क्लिंजर से उसको हटाते हैं, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा वाला हट जाता है, बाकी तो जो हमारा नेल्स पे यूवी जेल भी लग गया वो भी हमारे धीरे धीरे जब हमारे काफ़ी बड़े हो जाते हैं नेल्स तो वो बाहर आते रहते हैं, और जो हमारा न्यू मतलब नेल जो गेन करता है वो पीछे रह जाता है। तो उसको भी आके आपको पार्लर पे ही हटवाना होता है, बट ये जो नेल्स हैं ये आप घर पे भी हटा सकते हो, ठीक है। यूवी जेल जो नेल आर्ट होते हैं ना वो नहीं हटा सकते आप लोग घर पे, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वो भी मैं आपको लगाना और हटाना सब कुछ बताऊंगी जब मैं उस टॉपिक पे आऊंगी। बट अभी जो हम कर रहे हैं तो ये फेक नेल जो है ये आप घर पे भी लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, अगर आपके पास पार्लर बराबर में ना हो तो, ठीक है। क्योंकि अब आप देख सकते हैं ये मैंने जिस टाइम पे लगाए थे ये पीछे तक बिल्कुल टच थे और अब ये धीरे धीरे आगे आने लगे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जब हम पार्लर पे इनको हटवाने के लिए जाएंगे तब तो उनका अपना एक तरीका होता है हटाने का। तो वो क्या तरीका होता है, देखिए इस तरीके से ना टूल आते हैं नेल पेंट नेल ये फेक नेल हटाने वाले, तो इस तरीके से वो लोग अपने टूल को सबको यूज़ करके, क्योंकि इसमें से कुछ टूल आपके पास नहीं होंगे, ओनली फॉर पार्लर यूज़ के लिए ही होते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल टूल होते हैं। जैसे अब ये टूल है आपको समझ में नहीं आएगा कि इनका क्या यूज़ है, तो इनको आप ना करें, बस आप नेल कटर जो है वो सबके घर में होता है उस चीज़ से आप हटा सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरीके से हटाएंगे। तो जो हमारे हटाने का सबसे आसान सा तरीका है वो है देखिए ये कि हम अभी ये देखिए लगे हुए हैं और ये मैं आप लोगों की वजह से हटा रही हूँ, अदरवाइज़ मुझे हटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो ये काफ़ी दिन चलेंगे और आई थिंक ये 10 दिन तो करीब हो भी गए होंगे लगे हुए मेरे हाथों पर। जो वीडियो आप देख लेना जब मैंने डाली थी तो आई थिंक उससे 2 दिन पहले ये डले थे, लगे थे। तो देखिए काफ़ी हो गए हैं और इनको ज़रूरत नहीं है अभी भी हटाने की, और जैसे जैसे ये आगे को गेन करते रहते हैं ना तो देखिए ये खाली जगह जो होती है ना, अब जब हम नेल पेंट हटाते हैं तो इसके अंदर जाने लगता है वो सब, तो ये आपको थोड़े फिनिशिंग में काले काले लग रहे होंगे अंदर से, तो वो कोई कुछ नहीं होता है, वो वही होता है कि मतलब हम लोग जो करते हैं। देखिए आप हमारा नेल्स देख सकते हैं मेरा कितना बाहर आ चुका है, जबकि हमने ये पूरा कट करने के बाद ये लगाए थे। तो अब हमें करना क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये है वॉर्म वाटर गर्म पानी, ठीक है। हमें अपने हाथ थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो के रखने हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट, ठीक है। जब हम इसको 15 से 20 मिनट अपने हाथों को इसमें डुबो लेंगे तो क्या होता है, गर्म पानी होना चाहिए, मतलब ज़्यादा वॉर्म वाटर नहीं, मतलब थोड़ा सा गर्म हो वॉर्म से, क्योंकि क्या होता है ना बहुत कम अगर गर्म होगा तो नहीं बिल्कुल भी मतलब ये हटेंगे। थोड़ा तेज़ होना चाहिए जिसमें हम फिंगर थोड़ी देर डुबो के रख लें, तो हम अपनी फिंगर को थोड़े टाइम डुबो के रखेंगे और जब हम इसको डुबो के रखेंगे फिंगर को तो ये अपने आप ही जगह छोड़ने लगते हैं जब इनको 10-15 मिनट हो जाते हैं भीगे हुए। तो देखिए मैं 10-15 मिनट तक इसके अंदर भिगोती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो मिलते हैं आपसे 10-15। तो आप देख सकते हैं 10-15 मिनट हो गए हैं और मैंने ये निकाल लिए हैं। तो ये हल्की हल्की सी जगह ना ये अपने आप छोड़ने लगते हैं जब हम गर्म पानी में डुबोते हैं। तो देखिए मैं आपको, अगर आप गर्म पानी में आपने डुबोए तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये इजीली हटने लगेगा। देखिए आप देखिए ये इजीली ना हटने लगेगा, हल्का हल्का सा ऐसे करके पुश करिए पुश करिए, कोई नेल जल्दी हट जाएगा कोई नेल थोड़ा लेट हटेगा। अब आप देख सकते हैं जब आपने ये इस पे से लगा हटाया था देखिए पूरा उतर के आ गया है बहुत इजी। लेकिन आपको 10-15 मिनट ना वॉर्म वाटर मतलब वॉर्म से थोड़ा तेज़ गर्म हो जिसमें हम अपनी उंगली डुबो के रखें और उसके निकालने के तुरंत बाद हमें ये शुरू कर देना है। तो देखिए कुछ नाखून जो होते हैं ना ऐसे आप हिलाओगे ना तो कुछ नाखून तो ऐसे ही आराम से आ जाएंगे, लेकिन कुछ अगर आने में दिक्कत करें आपको तो पहले आप इनको कट कर लें। तो देखिए मैं कोशिश करूँगी इसको ऐसे ही निकालने की, और अगर ये मुझसे ऐसे नहीं निकलेंगे तो फिर मैं इन्हें कट कर लूँगी। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मुझसे ऐसे ही निकल जाए क्योंकि मुझे पता है देखिए कितना ईजी होता है। देखिए आप देखिए और देखिए कुछ नाखून ना पूरे तरीके से नहीं निकलेगा तो ऐसे टूट टूट के निकलेगा, लेकिन निकल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा।
देखिए मुझे कोई भी टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब आप देख सकते हैं, अब हम इसमें टूल यूज़ करेंगे। अगर हमारा इतना अटका रह गया है तो अब हम इसमें टूल यूज़ करेंगे। तो वो टूल भी कई तरीके के होते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से जो टूल आते हैं ना, वो हम यूज़ करेंगे और इनको धीरे धीरे करके इसको जगह को इसकी छुड़वाएंगे। देखिए इस तरीके से, ये तो मैं तरीका बता रही हूँ आपको घर पे यूज़ करने वाला, जो आपको घर पे यूज़ करना है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आप इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बहुत आराम आराम से निकालना है। अगर आपने इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की तो ये जो आपका रियल नेल है ना, उसको भी उठा के ले आएंगे। तो अगर आप घर पे भी निकाल रहे हैं तो बहुत आराम आराम से देखिए निकालिए, हो सकता है ये पूरा भी आ जाए आपके हाथ में, क्योंकि जो नेल्स जगह छोड़ता रहता है ना, वो पूरा भी आ जाता है, और जो नहीं जगह छोड़ता है वो पूरा नहीं आता है। तो आराम आराम से करिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं, देखिए ये वाला नेल्स ने जगह नहीं छोड़ी थी, तो आप देख सकते हैं ये कितनी मुश्किल से आ रहा है, बट ये भी आ जाएगा, आने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अभी आपको, क्योंकि मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ तो आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा करना, अदरवाइज़ अगर कैमरा ऑन नहीं होता तो अब तक मैं इसको पूरा निकाल चुकी होती। अभी क्या है, कैमरे के सामने मुझे भी थोड़ा सा ये लग रहा है ना कि आप लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, इतनी देर हो गई आया नहीं ये। तो देखिए इस तरीके से ना, ये आराम से देखिए, ये हम लोग जब हटाते हैं ना तो हम लोग भी इसी तरीके से इनको हटाते हैं। जब आप पार्लर पे आओगे हटवाने के लिए तो आप देख सकते हैं, हम भी इसी तरीके से आपका हटाएंगे, और इसको आप इजीली घर पे भी इसी तरीके से हटा सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे टूल होते हैं, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से काफ़ी सारे टूल होते हैं। और देखिए ये सक्सेसफुली आ गया है, देखिए आप, ये सक्सेसफुली आ गया है। और देखिए मैं इस तरीके से ना इसको क्लीन कर देती हूँ ऊपर से, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सक्सेसफुली आ गया है। देखिए दोनों नेल्स के ना साफ हो गया है, ये भी बिल्कुल निकल गया है अच्छे से। अब हम तीसरे को ट्राई करते हैं। तो पहले हम इसको ना हिलाएंगे और हम ये देखेंगे किधर से ये जगह छोड़ रहा है। तो देखिए किधर से ये, जिधर से भी इसने जगह छोड़नी स्टार्ट कर दी, उधर से ही ये जो टूल होते हैं ना, इनको हल्का हल्का सा पुश करिए ताकि ये जगह छोड़ने लगें। देखिए इस तरीके से, जैसे ही इसमें हवा जानी स्टार्ट होगी, और अगर आपको ये ऐसे दिक्कत करे तो फिर से गर्म पानी में अपना हाथ डालिए, और उसके बाद थोड़ी देर और इसको गर्म पानी से होने दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे ही हम लोग गर्म पानी से हाथ निकालेंगे तभी ये अच्छे से गैस, मतलब क्योंकि गर्म पानी जो होता है ना, तो इसकी ग्लू को पिघलाने लगता है, तो बहुत ईजीली हो जाता है। तो अभी मैं थोड़ी देर और गर्म पानी में हाथ डुबोती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं, मैंने ये पानी में भिगो लिया है, और अब मैंने ये काफ़ी इनको हटाने की कोशिश की है। तो देखिए पानी में डालने के बाद ना, देख सकते हैं आप, पानी में डालने के बाद ये बहुत इजीली हो जाते हैं। अब देखिए आप, मेरा इसमें नेल्स काफ़ी बढ़ गया था तब भी, और देखिए पानी में डालने के बाद ना तुरंत हटाइए आप। जैसे क्या है, हल्का हल्का इनको हटा के देख लीजिए, उसके बाद आप वॉर्म वाटर में पानी में मिलाइए इनको, वॉर्म वाटर में हाथ डुबोइए, और उसके बाद ये फिर से एकदम से उठ के आ जाएगा बाहर। तो बीच बीच में एक एक नेल हटाइए, गर्म पानी में हाथ भिगोइए, एक एक नेल हटाइए, गर्म पानी में हाथ भिगोइए। अब देखिए वो मेरा इजीली हट गया, ये इजीली हट गया, इस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, और ये वाला अभी भी बिल्कुल ईजिली हटने वाला है। तो थोड़ा वॉर्म वाटर में हाथ डुबो लेती हूँ थोड़े टाइम, और उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए आप देख सकते हैं, मैंने पानी में डुबो लिया है, और ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आने में। तो पहले मैं इसको कट करूँगी, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बड़ा काफ़ी हो गया है ना, तो नेल्स, हमारा अपना खुद का नेल्स भी टूटने का बहुत डर लगता है, तो इसलिए ना बहुत केयरफुली करें। तो जैसे मैंने देखिए काट लिया है, अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ना हटाती रहूँगी, और टूल से ही हटाएँ, आपको टूल चलाने का ज़रूर होना चाहिए। पार्लर पर जब आते हैं कस्टमर हटाने के लिए, तो हम लोग बहुत ईजिली उनका इसी तरीके से हटा देते हैं, बट टाइम लगता है। देखिए 10-15 मिनट तो आपको ईजिली लग जाएंगे, नहीं तो आपको अपना ही नाखून में ना, और काफ़ी मतलब दिक्कत भी आती है। ऐसा नहीं है कि एकदम आराम से हट जाएंगे। अब आप सोचिए 1-1.5 महीने कोई चीज़ रुकेगी, तो वो जाहिर सी बात है। अभी ये ग्लू, तभी तो मैं आपको बोलती हूँ, मेरा तो काफ़ी दिनों तक भी नहीं हटते। तो बहुत ईजी होता है इनको हटाना, बट देखिए थोड़ा टफ तो लगता ही है। अब हम लोगों को टफ लगता है तो आप लोगों को तो लगेगा। तो ये भी नाखून मैंने कर लिया है कट, और उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर वॉर्म वाटर में भिगो के और उसके बाद हटाऊंगी। देखिए ये उतरने में बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी 3 बहुत जल्दी उतर गए, क्योंकि इनका रीज़न होता है ना, जैसे किसमें बबल आ जाता है अगर लगाते हुए, तो वो बहुत ईजिली क्या कहते हैं उतरता है, और जिसमें बबल नहीं आता है, जो बहुत फिक्स होकर चिपका होता है, उसमें थोड़ा सा मुश्किल आती है। तो देखिए करते हैं इसको अभी, तो देखिए स्टार्ट करते हैं, और ये टूल है, टूल को ना अंदर जितनी भी गैप होता चला जाए उसमें आप इसको ऐसे करके डालते चले जाइए टूल को, और बहुत आराम से देखिए, मैं मेरे को, क्योंकि मैं पार्लर पे करती रहती हूँ ये सब चीज़ें, तो मुझे पता है। देखिए इस तरीके से ना ये टूट टूट के बाहर आता रहेगा, और आप इजीली इसको हटाते चले जाएँ। बट देखिए बहुत केयरफुली करिएगा प्लीज़, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि बहुत आसान है, आसान नहीं है। इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरे नेल्स आपको हटा के दिखाऊँ।
अदरवाइज इनको हटाने में ना लगता है टाइम, लगता है काफ़ी टाइम लगता है। बहुत इजीली कोई कोई नेल्स तो बहुत देर में हटता है, कोई कोई नेल बहुत जल्दी हट जाता है, कुछ नेल्स तो बहुत टाइम लेते हैं। देखिए आप इस तरीके से ना इनको बहुत आराम आराम से बहुत टाइम दे के, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी हटा रहे हैं तब कभी कभी क्या होता है 10-12 दिन 15 दिन 20 दिन जब हो जाते हैं ना हमें काम करते करते, तो क्योंकि मैं कोई काम नहीं करती हूँ, मेरा घर पे भी मैं कोई काम नहीं है मेरा, और क्या कहते हैं पार्लर पे भी मेरा क्रीम व्रीम से रिलेटेड कोई काम नहीं होता। इस बार तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए काफ़ी किया था ताकि आप लोगों को मैं ये मेरे हट जाएँ अपने आप ही, बट मेरे ये अपने आप नहीं हटे। थोड़ा होता भी है, लगाने की टेक्निक के ऊपर भी डिपेंड करता है, कुछ पार्लर वाले लगाते हैं तो उनके तो अगले दिन ही हट जाते हैं, और थोड़ा सा होता है, देखिए टेक्निक तो होती है लेकिन जितना पक्का करके आप लगाएंगे उतना ही इसको ना जल्दी हटाने में प्रॉब्लम आएगी। जैसे जैसे हम काम करते रहते हैं तो ये इजीली अपने आप हटते भी रहते हैं, बट देखिए इस तरीके से अगर आप हटाएंगे ना, अब मैं देखिए वीडियो इसीलिए ना मैंने बीच बीच में रोकी है बट कट कहीं से नहीं की है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को पता चले कि इनको हटाना देखिए कितना मुश्किल होता है। तो देखिए इस तरीके से ये आपको मिलेंगे हटते हुए, बहुत आराम आराम से हटाएं, बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये एक जगह छोड़ दी इसने तो उस पकड़ के खींच दें। अगर आपने पकड़ के खींचने बीचने की कोशिश की ना तो आपका नेल्स अपना रियल नेल भी आ जाएगा आपका, तो आप कोशिश करिए जगह बनाइए टूल के सहायता से, क्योंकि हम लोग जब किसी के हटाते हैं तो हम लोग भी इसी तरीके से हटाते हैं, 15-20 मिनट कस्टमर में लग जाते हैं इसको हटाने में। तो देखिए ये अभी इतना बचा है, अभी मैं इसको फिर से गर्म पानी में हाथ डुबोती हूँ और उसके बाद ये फिर से मैं कोशिश करती हूँ हटाने की। तो आप देख सकते हैं काफ़ी मुश्किल होता है इनको हटाना, पानी में बार बार हाथ डुबोने पड़ रहे थे, देखो और देखिए ये हट गए हैं सक्सेसफुली। टाइम लगता है, ऐसा नहीं है, देखिए ये आई थिंक 20 मिनट्स की वीडियो है, बट 12 मिनट की है या 13 मिनट की, लेकिन देखिए इतनी देर में नहीं लगती। बीच बीच में मैंने इनको रोका है इसको, क्योंकि मैं अगर आपको बार बार दिखाती रहती तो पूरा टाइम में तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, कम से कम 20-25 मिनट की वीडियो होती। इतने टाइम में ओनली फॉर 5 नेल्स हट पाए, ये तो मेरे रियल हैं तो मैंने ये नहीं हटाए। तो आप देख सकते हैं बहुत ईजी होता है, और इस टाइप के जो टूल होते हैं ना उनमें से देखिए मैंने सारे टूल आपको यूज़ करके नहीं दिखाया, अगर मैं सारे टूल यूज़ करके दिखाती तो हो सकता था बहुत जल्दी हट जाते, बट मैंने वो टूल यूज़ किए जो आप लोगों के पास होता है। देखिए ये जो टूल होता है ना ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, जो हम नेल फाइन करते हैं, देखिए इस तरीके से हम जो नेल फाइन करते हैं ना वो होता है, बट हमें पतला चाहिए आगे से ना, नेल फाइन करने वाला जो होता है उससे पतला चाहिए। तो ये नेल जो कटर होता है ना उसके पीछे भी आता है, इस टाइप का एक पीछे भी आता है, आप देख सकते हैं ये नोक वाला ना उसके पीछे भी आता है, तो उससे आराम आराम से गैप बनाते हुए, और जब हम गर्म पानी में हाथ डुबो के रखते हैं ना तो वो गैप अपने आप बनता चला जाता है। जैसे थोड़ा सा गैप बनाइए फिर गर्म पानी में हाथ डुबोइए तो वो जो गर्म पानी है वो ग्लू को अंदर से पिघलाता चला जाएगा, तो वो धीरे धीरे करके, बट देखिए बहुत आराम आराम से करिए, क्योंकि इसको हटाना मैंने तो बहुत जल्दी हटाए हैं, कभी कभी तो ये अपने आप ही हट जाते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग आज लगाया और 2-3 दिन के अंदर अगर हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल होगी हटाने में, अदरवाइज़ हम 10-12 दिन बाद हटाएंगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। और जैसे जैसे हम काम करते हैं ना, तभी तो मैं बोलती हूँ कि ऑयलिंग और कपड़े धोने का और बर्तन मांजने का काम इनके साथ में नहीं करना है, तब तो ये बहुत जल्दी हट जाएंगे, नहीं तो तब आपको हो सकता है हटाने की ज़रूरत ना पड़े, अपने आप ही हट जाए। तो देखिए काफ़ी ईजी होता है हटाना, और मेरा आज हटाने का मन भी नहीं था इसीलिए इतनी देर लगी इनको हटाने में, अदरवाइज़ अभी तो ये मेरा चलता 50-60 दिन और चलता, 16-17 दिन और चलता, कम से कम 1 मंथ चलते हैं मेरे नेल्स, 1 मंथ से भी ज़्यादा चलते हैं, 1.5 मंथ। तो आप देख सकते हैं अब मैंने ये हटा लिए हैं, अब इनको नेल रिमूवर से अच्छे से क्लीन करिए, उसके बाद जो आपको लगाना है, नेल पेंट लगाने का मन है नेल पेंट लगाइए, नहीं लगाने का मन है मत लगाइए। तो देखिए मैंने आपको आज कोशिश की है नेल रिमूव करके दिखाने की, और बिल्कुल सिंपल टूलों से। अगर हम लोग अपने पार्लर वाले टूल इसमें यूज़ करें तो टूल काफ़ी सारे होते हैं और उनसे क्या होता है हटाने का तरीका यही है, थोड़ा थोड़ा करके, बट क्या होता है जल्दी हट जाता है क्योंकि वो टूल बहुत पतली पतली नोक के होते हैं ना, तो गैप बनाते चले जाते हैं, हटाते चले जाते हैं। जितनी पतली नोक का टूल होगा उतना ही इसमें गैप जल्दी जल्दी करेगा, थोड़ी थोड़ी देर पानी में भिगो के रखिए गैप आ जाएगा, फिर उसको अंदर से करिए फिर पानी में भिगोइए, तो हमें ये काफ़ी टाइम लगेगा निकालने में बट निकल जाएंगे बहुत इजीली। ज़बरदस्ती नहीं हटाना है, अगर हमने पकड़ के ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश की, कोई कोई नेल जब हम ऐसे करके हिलाते हैं तो ऑलरेडी आ ही जाता है हमारे हाथ में, लेकिन वो फेक नेल आता है, अगर हम ज़बरदस्ती ऐसे कोशिश करेंगे करने की तो हो सकता है हमारा रियल नेल भी इसमें आ जाए। तो ब्लड ब्लड निकलने का भी मेरे पास आया था एक फ़ोन कि मैम हमने आप मेरे कहने आपके कहने से चिपका तो लिए बट वो हटाते टाइम मेरे हाथों से ब्लड आ गया, उन्हीं की वजह से मैंने ये वीडियो बहुत जल्दी बनाई है, अदरवाइज़ अभी तो ये मेरे काफ़ी दिन चलने वाले थे।
तो देखिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग मुझे आज पहली बार मेरे चैनल पर देख रहे हैं, बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों की मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड टिल देन, बाय बाय।